हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजीवन चिल्ड्रन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और यूट्यूब चैनल इज नवजीवन घटसाना। अभी तक हमने थ्री पार्ट्स इस वीडियो सीरीज के अंदर कर लिए हैं, जिसमें हमने परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्स एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। आज की सीरीज में ये सीरीज का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका बेसिक्स मैंने आपको पार्ट थर्ड की वीडियो में बता दिया है। ये बेसिक को मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर आप यहाँ देख लें। और यहाँ इनके फॉर्मूलों को मैंने यहाँ लिखा है। इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड से क्वेश्चन नंबर 11th को हम सोल्व यहां करेंगे। आपको मैं ये बुक दिखा रहा हूं। इस बुक के प्रेफरेंस में हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। जो NCERT फोल्डर के अंदर ये एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2 है, इन्हें हम यहां सोल्व कर रहे हैं। ये वीडियो मेनली RBSC बोर्ड को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन जो इस वीडियो का बेसिक है वो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट कर सकता है, वो चाहे RBSC का हो या CBSE बोर्ड का हो। क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक सभी बोर्ड में सेम रहेगा। तो यदि आप CBSE बोर्ड से हैं या किसी अदर बोर्ड से हैं या स्टेट बोर्ड से हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका बेसिक अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्स के बारे में क्वेश्चंस को हम करते हैं। ये बेसिक है, लास्ट वीडियो में हम इसे कर चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां है। सॉल्यूशन मैंने इसका ऑलरेडी लिख दिया है ताकि वीडियो में ज्यादा टाइम ना लगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों यहां लिखे हुए हैं, आप पॉज करके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। करना कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैथ में किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि मैथ कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, तो आपको भी प्रैक्टिकल थिंकिंग इसमें रखनी होगी। प्रैक्टिकल थिंकिंग से मेरा मतलब है आप उस क्वेश्चन में खुद को रख के देखें। अगर किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आप उसकी जगह खुद को रखें और आप ये प्रैक्टिस करें कि हाँ, ये चीज मैं खुद कर रहा हूं। उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कीवर्ड्स हैं उनको नोट करें, और मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इस सीरीज में। अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2400। एक शॉपकीपर है, मान लीजिए मैं वो शॉपकीपर हूं या मान लीजिए आप वो शॉपकीपर हैं। आप अपनी दुकान के लिए कुछ मटेरियल खरीद रहे हैं, आप 80 आर्टिकल्स परचेज कर रहे हैं, कितने रुपीज का? 2400 रुपीज का। यानी आपने 80 आइटम्स कुछ खरीदी हैं। मान लीजिए आप स्टेशनरी की आपकी शॉप है, आपने 80 पेन यहां मंगवाए हैं। 80 पेन के लिए, 80 आर्टिकल्स के लिए आपको 2400 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हम यहां एक पेन की वैल्यू या एक आर्टिकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2400। ये हमें गिवन है। हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, विच इज 2400 डिवाइड बाय 80। जीरो से जीरो कैंसिल, 240 को 8 से डिवाइड किया, 30। यानी कि एक पेन हमने 30 रुपीज में परचेज किया है, या एक आर्टिकल हमने 30 रुपीज में परचेज किया है। इतना एक लाइन से हमने कंक्लूड किया है। आगे पढ़ते हैं। एंड सेल्स, अब आप शॉपकीपर हैं तो आपने कोई चीज परचेज की है तो आप उसे बेचेंगे भी। मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने पेन खरीदा है, मैं उसे बेचूंगा। अब आप शॉपकीपर होने के नाते आप उसे प्रॉफिट पर बेचेंगे या लॉस पर, वो डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसमें हम देखते हैं। सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। शॉपकीपर उसे कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है? 16% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, हमें यहां
सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। एक चीज ध्यान दें आप, यहां सेलिंग प्राइस हमें यहां फाइंड आउट करना है, कोई इश्यू नहीं है, हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर देते हैं। ये 16% चाहे आप 80 आर्टिकल्स का लिए फाइंड आउट करें या आप 1 आर्टिकल के लिए फाइंड आउट करें, इसकी वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो 16% का प्रॉफिट हो रहा है, मैं 80 आर्टिकल लेके आया, मैं एक पेन बेचूं या 10 पेन बेचूं या 20 पेन बेचूं, ये 16% का प्रॉफिट तो 16% ही रहेगा। बस इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, क्योंकि 30 रुपीज पर निकाल रहे हैं तो कम वैल्यू आएगी, यानी 1 पेन पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कम आएगी, ज्यादा पेन पर वैल्यू निकालेंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी। तो हम यहां इस 30 रुपीज पर प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमसे यहां फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल पूछा है, तो हम यहां 1 आर्टिकल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है 30 रुपीज है, प्रॉफिट कितना है 16% नहीं, ये परसेंटेज है, हमें वैल्यू बतानी है प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट। ये बिल्कुल सही है, कहीं भी इसमें कोई गलती नहीं है। 30 × 16%, कॉस्ट प्राइस हमारा था 30 रुपीज इंटू प्रॉफिट हमारा था 16%। परसेंट हटेगा, डिवाइड लगेगा, इनटू में 30, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 × 10, 8 × 16, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, डिवाइड बाय 5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.8 रुपीज। क्या आंसर आएगा, 4.8 रुपीज। ये हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 आर्टिकल पर, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 आर्टिकल पर, 4.8 रुपीज। यानी मैं 30 रुपीज में एक आर्टिकल लेके आया और 4.8 का उस पर प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, तो उसे बेचूंगा मैं कितने में, मैं ये प्रॉफिट अपने कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देता हूं। 30 + 4.8 = 34.8, क्लियर है? तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, मैं 30 रुपीज का पेन 34.8 रुपए में बेचूंगा ताकि मुझे 4.8 रुपीज का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो इस तरह इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सोल्व करते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल को आप सोल्व करें, कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का आंसर हम वहां देंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 इसी सीरीज में आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैंने पार्ट 3 की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, यहां मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रॉफिट या लॉस हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो इंक्रीज्ड हो, चाहे वो डिक्रीज्ड हो, चाहे वो टैक्स हो, डिस्काउंट हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा ये ओरिजिनल वैल्यू पर कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन इनका नेम चेंज होता रहेगा। जैसे कि प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें, तो ओरिजिनल वैल्यू को हम कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। कॉस्ट प्राइस में एक चीज ध्यान देने वाली है, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जितने में आपको कोई वस्तु लाने में कितना पैसा आपको देना पड़ रहा है, टोटल पैसा आपका कितना लगा अपनी जेब से उस वस्तु को लाने में, उस प्रोडक्ट को परचेज करने में, परचेज करने के बाद उसे सेल करने में। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल था मैंने लिया था उसमें, कि एक स्कूटर है, आप 10,000 में उसे लेके आ रहे हैं, आपने देखा कि इसका पेंट थोड़ा खराब है, चलो इस पर पेंट किया जाए, आपने पेंट किया, 1,000 रुपीज आपका पेंटिंग का खर्चा उसमें आ गया। स्कूटर आपने 10,000 का लिया था, 1,000 का आपने पेंट करवा दिया। अब आप किसी को वो स्कूटर बेच रहे हो, तो क्या आप वो पेंट का पैसा ऐड करोगे कि नहीं? करोगे ना। तो वो जो पेंट का पैसा ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आ रही है, यानी 10,000 + 1,000 = 11,000, ये 11,000 हमारी फाइनल कॉस्ट होनी चाहिए। बेसिकली स्कूटर के प्राइस में या प्रोडक्ट के प्राइस में सारे एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा कॉस्ट
ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगी। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज 15,500 रुपीज। एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट 15,500 रुपए थी। रुपीज 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, हमने 450 रुपए इसकी रिपेयर पर खर्च कर दिए, तो ये हमारी कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 15,500, फाइनल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 15,500 प्लस 450, तो हमारे रिपेयर के पैसे इसमें ऐड हो गए, ये हो गया 15,950 रुपए, ये हमारी फाइनल कॉस्ट आ गई। इफ इट सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर हमने इसे 15% के प्रॉफिट पर सेल किया है तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें प्रॉफिट हो रहा है 15% का, मैंने आपको बता दिया है प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 15% हटेगा, डिवाइड लगेगा, ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 15,950 रुपीज। इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,392.5 रुपीज। इस आर्टिकल पर इतना प्रॉफिट हमें हो रहा है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, हमसे पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आप रट लें अपने दिमाग में, अपने दिल में इस फॉर्मूले को बिठा लें, जो है वो यही है। आपसे या तो सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा, या कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा, या प्रॉफिट पूछा जाएगा, और ये फॉर्मूले से तीनों की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 15,950 प्लस प्रॉफिट हमारा हमने अभी फाइंड आउट किया है 2,392.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 18,342.5 रुपीज। कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल, जो डेटा दिया हुआ था उसको एज इट इज रख के हल्की सी कैलकुलेशन की हमने। मेन जो चीज है वो है मेथड को समझना, वो है टॉपिक को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना कि हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस उसने दिया था, उस पर कुछ एक्सपेंडिचर हुआ, हमने फाइनल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, हमने कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को ऐड किया, सेलिंग प्राइस आ गया। इस तरह सिंपल क्वेश्चन है, आपको इन्हें सोल्व करना है। चलिए दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना है, लैंग्वेज को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं, मैं बताता हूं कहां गलती करते हैं। पढ़ते हैं, ए वीसीआर एंड टीवी। वीसीआर पुराने टाइम में जो टीवी के साथ डीवीडी चलाने के लिए जो एक इक्विपमेंट होता था उसे हम वीसीआर बोलते हैं। वीसीआर एंड टीवी वर बोट फॉर रुपीज 8,000 ईच। यहां एक वर्ड आ रहा है ईच, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर ये ईच क्या होता है, यानी कि इस लाइन में इस ईच का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, वीसीआर और टीवी दोनों को 8,000 रुपए में खरीदा गया। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वीसीआर और टीवी दोनों को 8,000 में खरीदा है या दोनों को 8,000 रुपए में खरीदा है। देखो लाइन में फर्क है, या तो मैं ये बोल रहा हूं कि वीसीआर और टीवी दोनों का टोटल 8,000 है, या मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों का अलग अलग 8,000 है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये अलग अलग 8,000 है या दोनों का टोटल 8,000 है, यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। तो ईच वर्ड जहां आ जाए उसका मतलब है वीसीआर का भी 8,000 है, टीवी का भी 8,000 है, यानी कि दोनों का टोटल 16,000 रुपए होगा। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या हो रहा है,
शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। शॉपकीपर ने वीसीआर पर क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है कितना, 4% का। एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। टीवी पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 8% का। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द गेन, गेन या प्रॉफिट, एक ही बात है, वर्डिंग चेंज होएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची या सिनोनिम्स इनको बोल सकते हैं। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने वीसीआर खरीदा, टीवी खरीदा, दोनों को मैंने बेचा, एक को लॉस पर एक को प्रॉफिट पर, टोटल ट्रांजेक्शन में मुझे क्या हुआ है, या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हम यहां कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वीसीआर की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ वीसीआर 8,000 रुपीज, ध्यान रखना है 8,000 है। बच्चे क्या करते हैं, 4,000 दोनों में बांट देते हैं, 8,000 रुपए, समझ गए, ऐसी गलती नहीं करनी है, इस ईच वर्ड का ध्यान रखना है। 8,000 लॉस हो रहा है वीसीआर पर कितना, 4%। लॉस हमेशा कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस हमें 8,000 दिया हुआ है। जब भी शॉपकीपर की बात आए और शॉपकीपर कुछ खरीद रहा है तो वो कॉस्ट प्राइस ही होगा, क्योंकि शॉपकीपर किसी चीज को खरीद रहा है उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, ताकि आगे वो उसे बेचेगा तो वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, परसेंट हटेगा, डिवाइड लगेगा, ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई लगेगा। कॉस्ट प्राइस 8,000 हमें दिया हुआ है, 20 से 20 कैंसिल, 80 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 320 हमारा क्या आएगा, लॉस आ जाएगा। भैया वीसीआर पर हमें क्या हो गया, लॉस, लॉस तो होना ही है, पुरानी आइटम है, स्टॉक में पड़ी है, निकालनी पड़ेगी। चलो भैया जितना मिल रहा है उतना ही सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बहुत अच्छी कहावत है ये। सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर, वीसीआर को बेचा कितने में है, 8,000 में खरीदा था, 320 का लॉस हो गया, घाटे में बेच रहा है, तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, 8,000 माइनस 320, 7,680 रुपीज, यानी कि 7,680 रुपए में हमने उसे बेच दिया, 320 रुपए का घाटा खाकर, बेचना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। कॉस्ट ऑफ टीवी, टीवी भी हमने खरीदा था 8,000 रुपए में, टीवी चलन में है, टीवी में लॉस नहीं खाएंगे हम, टीवी तो प्रॉफिट में बेचेंगे, टीवी तो आज भी बिकेगा कल भी बिकेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, टीवी पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8%, 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 8% हटेगा, डिवाइड लगेगा 100, ऑफ हटेगा इनटू कॉस्ट प्राइस 8,000, 20 से 20 कैंसिल, 8 को 80 से मल्टीप्लाई किया, 640 रुपीज। लो भैया प्रॉफिट हमने यहाँ कमा लिया, 8,000 के टीवी पर 640 रुपए का प्रॉफिट। तो टीवी का जो सेलिंग प्राइस हो गया कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 8,000 प्लस 640, 8,640 रुपए हमें टीवी, इतने रुपए में हमने इसे बेचा है, वीसीआर बेचा इतने में, टीवी बेचा इतने में, टोटल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये हमसे उसने पूछा है, तो वो भी हम यहां फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम यहां फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम यहां सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस, कि दोनों टीवी को खरीदा कितने में था हमने, दोनों टीवी को कितने में खरीदा था हमने, इन दोनों टीवी को हमने 8,000 रुपए में खरीदा था, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 16,000 रुपए। दोनों टीवी नहीं, एक वीसीआर और एक टीवी, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, वीसीआर बेचा था हमने इतने में, टीवी बेचा है हमने इतने में, टोटल इतना जो प्राइस की सेल है हमने कर दिया है। आप बेसिक से समझें, आप दुकानदार हैं, आपने दो आइटम खरीदी, आपके गल्ले से 16,000 रुपए चले गए,
आपने दोनों आइटम बेची, आपके गल्ले में 16,320 रुपए आ गए। कहने का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, गल्ले में अमाउंट बड़ी है, बड़ी है तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट या गेन एक ही बात है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट 320 रुपए। अभी ये अमाउंट आई है, हमसे परसेंट में पूछा गया है और फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट 320, कॉस्ट प्राइस 16,000 जितने रुपए हमारे गल्ले से गए थे, ओरिजिनल प्राइस इनटू में 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 32 को 16 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 2। परसेंट लगाना ना भूलें। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पर हमें 2% का फायदा हो रहा है। क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th था ये, एक्सरसाइज 8.2 का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको नहीं करवा रहा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दिनों में आप अपने घरों में बैठे हैं, इस टाइम का आप यूज करें। बोर्ड की क्लास है, आप यहां से क्वेश्चंस को देखें, अच्छी तरह से समझें। डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। तो इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप इन वीडियोस को देखें और क्वेश्चंस को सोल्व करें। होमवर्क मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। हालांकि एग्जांपल्स भी हैं लेकिन पहले हमें बुक के क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो 6th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। 6th क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आप किस तरह इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल लगी हुई है मार्केट में, ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%, एक दुकानदार 10% का डिस्काउंट हमें दे रहा है, अच्छी डील है, हम परचेज कर लेते हैं। ऑन द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस को आप कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम यहां मार्क्ड प्राइस ही समझते हैं। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, आप मार्केट जाते हैं, आप सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट पर एक चीज देखते हैं, वो चीज आप देखते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसे ही मार्क्ड प्राइस कहते हैं। आप मार्क्ड प्राइस देखते हैं, आप कहते हैं कि सर आपकी दुकान पे आए हैं थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, तो आपको दुकानदार 10% का डिस्काउंट यहां दे रहा है, जितना भी प्रिंट उस पर लिखा होगा उसका 10% आपको वो डिस्काउंट दे देगा। डिस्काउंट दे रहा है तो दुकानदार को क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? लॉस ही हो रहा है ना, दुकानदार को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो दुकानदार को लॉस हो रहा है, हमारे लिए ये डिस्काउंट है, हम यहां डिस्काउंट ही कैलकुलेट करेंगे। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जींस मार्क्ड एट रुपीज 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। हमसे ये बोला है कि उसने अ पेयर ऑफ जींस खरीदा है, 2 शर्ट्स खरीदी हैं, तो हमें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम पहले टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं विदाउट डिस्काउंट, कि भैया हमें डिस्काउंट एक बार मत दो, हमें टोटल बताओ कि कितना पैसा देना है। तो हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, शर्ट कितनी है, 2, ए पेयर ऑफ जींस है, ए पेयर ऑफ जींस का मतलब है कि 2 जींस हमने यहां परचेज की है, 2 जींस का टोटल कर लेंगे, 2 शर्ट्स का टोटल कर लेंगे। अब शर्ट 2 ले रहे हैं तो जींस भी 2 ही लेंगे, मैचिंग करनी है ना हमें, 2 जींस का टोटल कर लेंगे, 2 शर्ट का टोटल
हम यहां कर लेंगे। टोटल जो अमाउंट आएगी उस पर हम 10% कैलकुलेट करेंगे और वो 10% उस अमाउंट में से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर होगा। हालांकि इस तरह समझाने में हो सकता है आपको ये समझ ना आया हो, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आंसर भेजें। कोई भी गलती रहेगी, आपका आंसर नहीं आएगा, तो हम यहां है आपको रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, 6th क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, एक छोटी सी चीज का डिफरेंस इसमें यहां आ रहा है। 7th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन में छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम देखते हैं यहां क्या है। आपको ध्यान से समझना है उस डिफरेंस को, उस डिफरेंस को ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए डिफरेंस क्या है। अ मिल्कमैन, मैं एक मिल्कमैन हूं, मेरे पास क्या है वो बात करते हैं। सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज ऑफ रुपीज 20,000 ईच। फिर से एक वर्ड आ गया हमारे पास, क्या गया? ईच। इस ईच का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वही मतलब यहां है। मेरे पास टू बफेलोज है, ईच बफेलो को मैं बेच रहा हूं 20,000 रुपीज में। तो 20,000 रुपए की एक बफेलो है, दूसरी भी 20,000 की है। टोटल मेरे पास 40,000 रुपए की बफेलोस थी, मैंने उन्हें बेच दिया, मैं यहां बेच रहा हूं। तो क्या ये कॉस्ट प्राइस है? क्या है? क्या नहीं, ये है सेलिंग प्राइस। बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस, हमें यहां सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ईच बफेलो का। ओन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। एक बफेलो पर उसे प्रॉफिट हो रहा है 5% का। एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%, लेकिन दूसरी पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 10% का। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, परसेंटेज नहीं पूछा, सिर्फ वैल्यू पूछी है, ओवरऑल उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस क्वेश्चन को बिना सोल्व किए हम बता सकते हैं कि उसे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आप कहोगे कि सर आपने तो सोल्व किया हुआ है, तो आपने करके देखा है। नहीं, मैं आपको भी इसकी ट्रिक बताता हूं, बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हम सेम अमाउंट पर खरीदते हैं या बेचते हैं, कोई भी दो प्रोडक्ट, कोई भी दो प्रोडक्ट सेम अमाउंट पर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, लॉस का परसेंटेज ज्यादा है तो लॉस होगा ओवरऑल, प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा है तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा। जैसे 5th क्वेश्चन में हम करके आए थे, 5th क्वेश्चन में 8,000 दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था, लेकिन लॉस 4% का था, प्रॉफिट 8% का था, प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा था, तो हमें ओवरऑल यहां क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। यहां लॉस का परसेंटेज ज्यादा है तो ओवरऑल हमें लॉस ही होगा। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, इस गेन परसेंट की तो बात ही खत्म हो जाती है, बात रहती है सिर्फ लॉस की, किसकी? लॉस की, वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब मैंने बोला था कि 7th और 5th क्वेश्चन में कुछ छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है, ये जो अमाउंट यहां दी है ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन 5th क्वेश्चन में ये अमाउंट कॉस्ट प्राइस था। बस इतना साफ ध्यान रखें। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, हमने सिंपल मेथड से इसको सोल्व कर लिया, लेकिन जब आपको सेलिंग प्राइस गिवन हो तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मैंने आपको पहले इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि ये फॉर्मूला एक दो क्वेश्चन में ही अप्लाई हो रहा है, हालांकि अप्लाई सभी क्वेश्चन में हो रहा है, लेकिन थोड़ा टफ है इसको याद रखना, बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं,
लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जहां आपको कॉस्ट प्राइस ना देकर सेलिंग प्राइस दिया हो, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूं। आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। आपको कॉस्ट प्राइस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब भी आप प्रॉफिट या लॉस बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते। हमें कॉस्ट प्राइस के बिना हम सेलिंग प्राइस प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते। तो ये फॉर्मूला है, ये प्रॉफिट परसेंट है, यहां कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 20,000, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें 5% डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। वैल्यू रखी है, सोल्व करते हैं। 20,000 100 प्लस 5 105 डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 21 5 105 25 100। ये 20 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, 21 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। कॉस्ट प्राइस 20 को 20,000 से मल्टीप्लाई किया, 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 21 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19,047.6। ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस एक बफेलो का। इतने में मैंने खरीदी थी, बेची मैंने 20,000 में, बेची मैंने 20,000 में। तो आप बताओ इस बात पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट की बात कर रहे थे हम, हुआ ना प्रॉफिट। खरीदी मैंने 19,047 में थी, बेच दी मैंने 20,000 में। सिंपल सा फंडा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, दूसरी बफेलो जिस पर हमें लॉस हो रहा है, फॉर्मूला वही रहेगा। प्रॉफिट की जगह इस बार क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो प्लस की जगह क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि लॉस हमेशा नेगेटिव होता है, हमारी वैल्यू घटती है लॉस की वजह से। 20,000 इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। वैल्यू रख देते हैं 20,000, 100 माइनस लॉस कितना हो रहा था 10% डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। सोल्व करेंगे, 100 माइनस 10 90 डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। 0 से 0 कैंसिल, 10 को मल्टीप्लाई किया 20,000 से, 2 लाख, 9 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के दूसरी तरफ आकर ये हो जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। 2 लाख को 9 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 22,222.2। ये हमारा यहां आएगा कॉस्ट प्राइस। अब हम ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था, ओवरऑल हमें लॉस ही होगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है जिस पर लॉस हो रहा है उसका कॉस्ट प्राइस ये है, जिस पर प्रॉफिट हो रहा है उसका कॉस्ट प्राइस ये है। दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ रहा है 41,270 रुपीज। ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस यहां पर आ रहा है। बात करते हैं टोटल सेलिंग प्राइस की। टोटल सेलिंग प्राइस, हमारे पास टू बफेलोस थी, 20,000 ईच में हमने बेची है, टोटल सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 40,000 रुपीज। हमारा सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, हमें हो रहा है लॉस। ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 1,270 रुपीज का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इस तरह इस फॉर्मूले का यूज करके इन क्वेश्चन को इजीली हम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में शायद मुझे लग रहा है मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, YouTube में प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन है जिसमें आप स्पीड को नॉर्मल से थोड़ा धीरे करके इस वीडियो को समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, 7th क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिया है। ये क्वेश्चंस थे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। आगे के क्वेश्चन है टैक्स
और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्काउंट और टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, चार क्वेश्चन है, दो सेम है, उन दो को मैं करवाऊंगा, दो जो अलग हैं उन्हें आप सेल्फ सोल्व करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। एट्थ क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन मैं यहां आपको करवा रहा हूं, मैं पढ़ देता हूं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा यहां क्या है, हमारा नाइन्थ क्वेश्चन यहां पर क्या है, ये हम पढ़ते हैं। अरुण बोट अ पेयर ऑफ स्केट्स, अ पेयर ऑफ स्केट्स, तो यहां फिर से पेयर वाली बात हुई है, हमें यहां कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यहां कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले मैं आपको सिक्स क्वेश्चन बता चुका हूं, जिसमें भी ए पेयर ऑफ जींस की बात की थी, मैंने बोला था ए पेयर ऑफ जींस को हम दो कंसीडर करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, वो आप पेयर को एक सिंगल ही कंसीडर करेंगे, हालांकि पेयर का मतलब यहां डबल होता है, लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, बुक के अकॉर्डिंग यहां पेयर को सिंगल वैल्यू ही माना गया है, ए पेयर ऑफ जींस को एक सिंगल पीस ऑफ जींस ही माना गया है। तो वहां आपने एक जींस और दो शर्ट ही परचेज की है, दो जींस दो शर्ट परचेज नहीं किया है। मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में अ पेयर ऑफ जींस लिखा है, वहां आपको एक जींस यानी कि 1450 रुपए को ही काउंट करना है, दो बार 1450 को काउंट नहीं करना है। ये छोटा सा ध्यान रखें आप, यहां स्केट्स की बात हो रही है। क्वेश्चन ये रहा, अरुण बोट अ पेयर ऑफ स्केट्स, अ पेयर ऑफ स्केट्स का मतलब है एक जोड़ी स्केट्स, एक जोड़ी की बात हो रही है, दो को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, हमेशा सेल में ही डिस्काउंट मिलता है, सिक्स क्वेश्चन में 10% का डिस्काउंट था, यहां 20% का डिस्काउंट है। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, छोटी सी चीज ध्यान में देने वाली है, ये 1600 रुपए आप मुझे बताएंगे सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, ये 1600 रुपए सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, तो ये जानने के लिए आप क्वेश्चन में खुद को रखें। आप अरुण हैं, आप दुकान पर गए, आपने 1600 रुपए पे किए और स्केट्स खरीद लिए, आपने खरीद लिए, आप घर पे आ गए, दुकानदार के लिए ये क्या था, दुकानदार के लिए क्या था, ये सेलिंग प्राइस, क्या था, सेलिंग प्राइस, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, पर बात प्रॉफिट लॉस में कस्टमर की नहीं होती, बात होती है शॉपकीपर की। शॉपकीपर ने ये स्केट्स अरुण को 1600 रुपए में बेचे हैं 20% का डिस्काउंट देके, तो ये जो 1600 रुपए हैं ये सेलिंग प्राइस है, ये चीज ध्यान में रखनी है, बस इस क्वेश्चन में यही है। फाइंड द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस हमने फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स 1600 रुपए, डिस्काउंट 20%, मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला पुट करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 इंटू मार्क्ड प्राइस, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये वही फॉर्मूला है जो बफेलो वाले क्वेश्चन में हम करके आए हैं, बस नाम ही तो चेंज हुआ है, कॉस्ट प्राइस को मैंने मार्क्ड प्राइस लिख दिया तो लॉस को मैंने डिस्काउंट लिख दिया, बात तो वही है ना, दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है तो दुकानदार को लॉस हो रहा है, डिस्काउंट वो दे रहा है मार्क्ड प्राइस पर या बोल दो कॉस्ट प्राइस, बात एक ही है। मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस 1600, 100 माइनस डिस्काउंट हमने दिया 20% डिवाइड बाय 100 इंटू मार्क्ड प्राइस 1600 इज इक्वल टू 100 माइनस 2080 डिवाइड बाय 100 इंटू मार्क्ड प्राइस, सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसल, 8 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 1600 को 8 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस जो है वो आ चुका है 2000 रुपये,
यानी कि दुकानदार ने स्केट्स के ऊपर जो एमआरपी लगा रखा था वो 2,000 का लगा रखा था, और उसने बोला कि भैया 20% का डिस्काउंट है, ले जाओ। मैं गया लेने, मुझे 20% का डिस्काउंट मिला, 2,000 की चीज मैं 1,600 रुपये में लेकर आया। मोटा मोटी बात यही है, क्लियर है? ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, वैट के ऊपर ये क्वेश्चन है। वैट एक प्रकार का टैक्स है, आपकी बुक में 3 प्रकार के टैक्स दिए हुए हैं, सेल्स टैक्स, वैट जिसे वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं, और जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या गुड्स एंड सेल्स टैक्स ये भी इसको बोल देते हैं। चलिए टैक्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th और 11th क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड है, वो आप सेल्फ करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हमें ओरिजिनल वैल्यू या फाइनल वैल्यू, कौन सी वैल्यू दी हुई है, यानी कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट या वैट या सेल्स टैक्स या जीएसटी, ये चीजें लगने के बाद की वैल्यू है या लगने से पहले की वैल्यू है, ये बहुत मायने रखती है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर, आई यानी मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया फॉर ₹5,400। मैंने परचेज किया है, मैं कस्टमर हूं, परचेज किया है, दुकानदार ने बेचा है, तो ये हमारे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब टैक्स इसमें ऑलरेडी लग चुका है, टैक्स इसमें लग चुका है, क्योंकि मैं ये हेयर ड्रायर घर पे ले आया, अब थोड़ी टैक्स दूंगा उसे, टैक्स मैं उसे दे चुका हूं। इंक्लूडिंग आ गया ना, वही बात आ गई, इंक्लूडिंग मतलब इसके अंदर ही टैक्स की वैल्यू ऐड है। 8% वैट, वैट कितना लग रहा है, 8%। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, तो प्राइस बिफोर वैट, प्राइस बिफोर वैट यानी दुकानदार ने वैट ऐड करने से पहले उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, दुकानदार ने उसकी क्या वैल्यू रखी हुई थी, ये हमें बतानी है। यानी कि एक टाइप से कॉस्ट प्राइस हमें इसका बताना है। बस नाम चेंज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, सभी में वही चीजें हैं, सिर्फ नेम चेंज हो रहे हैं। सेलिंग प्राइस ₹5,400, वैट 8%, वैट दुकानदार ऐड कर रहा है, दुकानदार ऐड कर रहा है, तो आप एक तरफ से ये समझ लीजिए कि ये दुकानदार के लिए प्रॉफिट है, ये दुकानदार के लिए क्या है, प्रॉफिट है। प्राइस बिफोर वैट हमने फाइंड आउट करना है, वही फॉर्मूला सेलिंग प्राइस निकालना है, 100 प्लस वैट अपॉन में 100, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता है हमें, वैट की वैल्यू पता है हमें, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। सोल्व कर लेते हैं। 100 प्लस 8 108 डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5,400। सोल्व करेंगे, 100 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, 108 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 108 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में, 2 की टेबल से कैंसिल होगा, 2 को 108 से कैंसिल करेंगे 54 आएगा, 100 को इससे कैंसिल करेंगे, सॉरी 5,400 को कैंसिल करेंगे, ये 100 आएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, जिस प्रकार से आपको सेट लगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस सोल्व करने पर आ जाएगा ₹5,000, कॉस्ट प्राइस बिफोर वैट, वैट लगाने से पहले हमारा जो प्राइस था हेयर ड्रायर का वो था ₹5,000, इस पर हमने 8% का वैट लगा दिया। वो वैट लगाने के बाद इसको बेचा तो कस्टमर हमें ₹5,400 देकर गया। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। हम सेलिंग प्राइस दोबारा कैलकुलेट करते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस 5,400 आता है या नहीं। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस, यहां वैट की बात हो रही है तो वैट ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वैट। वैट कैलकुलेट कर लेते हैं, वैट कैसे होगा,
8% लग रहा है ऑफ कोस्ट प्राइस, ये तो रामबान है, ध्यान रखना है कोस्ट प्राइस पर ही लगाना है। 8% परसेंट हटेगा, डिवाइड में 100 लगेगा, ऑफ हटेगा इनटू लगेगा, कोस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट किया है 5000 रुपीज़। 20 से 20 कैंसल, 50 को 8 से मल्टीप्लाई किया 400, यानी कि 400 रुपये का वैट लग रहा है। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस 5000, वैट हमने अभी निकाला है, सेलिंग प्राइस आना चाहिए 5400, यही तो सेलिंग प्राइस था हमारा, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, इस तरह टैक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं। दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो वैल्यू हमें दी हुई है हमें अपने दिमाग से प्रैक्टिकली थिंकिंग से ये समझना है वो वैल्यू कॉस्ट प्राइस दी है या सेलिंग प्राइस दी है। यदि वो वैल्यू कॉस्ट प्राइस दी है तो सिंपल मेथड से हम उसे सोल्व करेंगे। तो हम सिंपल मेथड से उसे सोल्व करेंगे इस प्रकार, ये हमारा सिंपल मेथड था। यदि वो वैल्यू सेलिंग प्राइस दी है तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं होगा हम प्रॉफिट या लॉस, डिस्काउंट, टैक्स नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 यहाँ कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.3, जो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, उससे लेकर आ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल नवजीवन गढ़साना को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।